खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। एक तरफ से किसानों का प्रदर्शन तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद आम जनता पूरी तरीके से परेशान है। तो वहीं अब आम जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल वो झटका खाप पंचायत की तरफ से दिया गया ये बड़ा ऐलान है कि 1 मार्च यानी कि आज से अब दूध भी 100 रुपए किलो किसान डेयरी में बेचेंगे। दरअसल खाप पंचायत के प्रवक्ता ने यह कहा कि हमने फैसला लिया है कि दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। हम सभी डेयरी किसानों से मांग कर रहे हैं कि वे सरकार सहकारी सोसाइटी को इसी कीमत पर दूध बेचें। बता दें आपको ये कि बीते साल आए नए कृषि कानूनों और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। देश में बढ़ रही पेट्रोल की कीमत पर बीती 21 तारीख को पेट्रोलियम मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि तेल उत्पादक देशों की ओर से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कम उत्पादन किया जा रहा है और पेट्रोल के दाम बढ़ने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। बता दें आपको ये भी कि केंद्र के लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बीते साल नवम्बर से ही किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डायरी में बंद करने के लिए निर्णय लिया है। डायरी में जो दूध देवेगा वो भाई किसान नहीं है, और फिर डायरी भाईचारे से मतलब चाहे अपना उसका भाई गरीब भाई को कितना है कि मैं दे दो डायरी में दूध नहीं देना, एक तो फैसला लिया यू। दूसरा फैसला यू लिया है, हम सरकार ने जन चेतना दिखाना चाहते हैं, युवा छाती मारे अपने सतरोल खाप में माजरा प्या हुआ धरना दे रहे हैं। 3 का बहुत बड़ा सम्मेलन है। तीसरी बात, एक दिन मुकर करांगे हम नू दिखावांगे सरकार ने जिले वाइज, और शायद जिले ते जिला गांव ते गांव तो दिल्ली लग मारी युवा शक्ति छोटे बड़े गामा में लोग सड़क पर आ गए प्रदर्शन दिखाएंगे कि भाई वो रोष कितना बड़ा है। चौथा निर्णय उसके बाद लिया जाओगा जिस टाइम पे ये ठंडे हुए बैठे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे दूध का शतक कहां कैसे बढ़ा है। तो महंगाई का एक और बड़ा झटका, दूध हुआ महंगा तो पेट्रोल के बाद अब दूध भी मिलेगा महंगा। चाय के लिए तरसे लोग। हरियाणा के पानीपत में दूध 100 के पार। महंगा दूध खरीदने को तैयार हैं आप? हरियाणा की खाप पंचायत का बड़ा ऐलान। महंगाई का एक और बड़ा झटका, दूध हुआ महंगा। पेट्रोल के बाद अब दूध भी मिलेगा महंगा। चाय के लिए तरसे लोग। तो हरियाणा के पानीपत में इसका असर भी शुरू हो चुका है। दूध 100 के पार मिलना शुरू हो चुका है। महंगा दूध खरीदने को कितने तैयार हैं आप? एक तरफ किसानों का प्रदर्शन जारी है, पिछले 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आर पार की मूंड की लड़ाई के बीच में प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी लड़ाई आर पार की है। किसानों का कहना है, अल्टीमेटम दिया हुआ है, आने वाले समय में और बड़ी रणनीति के साथ खड़े होंगे। तो वहीं खाप पंचायत का एक और बड़ा ऐलान आ चुका है सामने, जहां आज से यानी कि 1 मार्च से दूध है वो 100 के पार पहुंच चुका है। हरियाणा के पानीपत में इसका असर भी देखना शुरू हो चुका है। आम जनता को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां दूध के दाम भी बढ़ाए गए हैं और कहां कहां होने वाली है दूध की किल्लत।
तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार से जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। एक के बाद एक महंगाई की मार जेबों पे पड़ने लगी है। और आपको बता दें, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद आम जनता परेशान है। सरकार से एक ही मांग कर रही है कि महंगाई की मार से जल्द निजात दिलाई जाए। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो वहीं अब खा पंचायत का ऐलान है, जहां आज से 1 मार्च से यानी कि दूध है वो 1 लीटर, माफ कीजिएगा, 100 लीटर महंगा हो चुका है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हरियाणा से हमारे संवाददाता अंकुर कपूर जुड़ गए हैं। अंकुर, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ खा पंचायत ने ऐलान किया है कि 1 मार्च यानी कि आज से दूध वो महंगा हो गया, 50 से 100 रुपए लीटर हो गया है। तो मौजूदा स्थिति क्या है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले जो हरियाणा में खाप ने एक फैसला दिया था कि 1 मार्च से दूध 100 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा, ये सब कुछ हम मान सकते हैं कि कृषि कानूनों के विरोध में जो चल रहे किसान आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने के लिए किसानों ने 100 रुपए प्रति लीटर दूध बेचने का फैसला लिया था। क्योंकि जो नान नोन की दादा देवरा धर्मशाला है उसमें जो सतरोल खाप है उसने इस संबंध में फैसला लिया है कि खाप की बैठक में ये फैसला लिया गया था कि किसानों के आंदोलन के को अगले स्तर तक पहुंचाते हुए दूध डेयरी और दूध बेकरी केंद्रों को दूध 1 मार्च से 100 रुपए प्रति किलोग्राम दिया जाएगा। आपस में जो दूध की बिक्री है वो पहलों के दामों पे ही की जाएगी, यानी कि कह सकते हैं कि जो खाप के प्रधान है रामनिवास लोहान और जो प्रवक्ता फूल कुमार पटवाल है उनके अनुसार पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। ऐसे में जो आंदोलन है उसको तेज करने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो अंकुर, क्या लगता है कि लोगों से आपने बातचीत की होगी, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है पेट्रोल डीजल के बाद, कहीं ना कहीं असर इसका हर जगह पर देखने को मिला है, घरेलू सामानों पर, सब्जियों पर, और अब खाप पंचायत का एक बड़ा ऐलान, जो दूध का भी अभाव है वो बढ़ा दिया गया है, कहीं ना कहीं असर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है इसका आने वाले समय में, और कितना भुगतान करना पड़ेगा आम जनता को, क्योंकि जिस तरीके से किसान और सरकार के बीच के आर पार की लड़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं आम जनता इसका शिकार हो रही है। जी बिल्कुल करिश्मा, अगर हम बात करें जो सतरोल खाप ने ये फैसला लागू किया था, अगर हम बात करें जो आने वाले दिन है उसमें सरकार के लिए मुश्किलें खड़े कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की कीमतें जो धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं उससे जो आम जनता है वो बहुत परेशान हो गई है। अगर हम बात करें दूध की, दूध भी जो सुबह डेली के काम में रोजाना के काम में काम आता है उसकी अगर वो भी बढ़ी हुई कीमत पर मिलेगा तो ये लाजमी है कि जनता में जो आक्रोश है वो फैलना तय हो जाएगा। क्योंकि सरकार किसी भी मुद्दे पर अभी तक इनकी बातचीत और किसानों ये नहीं आपस में संभल पाई है, जो कृषि कानून चल रहे हैं उनको विरोध को लेकर अब किसान आंदोलन ने आगे बढ़ते हुए जो अब दूध है वो 100 रुपए प्रति लीटर बेचने का फैसला लिया है। इन सब चीजों को देखते हुए अब लगता है कि जनता में आक्रोश फैलना तय है लगभग। तो अंकुर, क्या लगता है कि जिस तरीके से सुबह सुबह एक जनता एक सोचती थी कि अखबार के साथ हम चाय की चुस्की लेंगे, लेकिन वो चुस्की अब कहीं महंगाई पर मार पड़ने लगी है, अब क्या लगता है आने वाले समय में इसका कितना खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल करिश्मा, जैसे कि अभी आपने कहा कि सुबह की चाय की जो चुस्की है वो बहुत महंगी दिखाई देगी। अगर हम बात करें, अगर 100 रुपए प्रति लीटर ऐसे ही दूध मिलेगा और जो पेट्रोल डीजल है वो रसोई गैस है जिनकी कीमतें पड़ने से जो जनता भी परेशान हुई थी, लेकिन अब जो 100 रुपए प्रति लीटर दूध मिलेगा उससे ये देखना होगा कि अब जनता क्या फैसला लेगी, क्या जो जनता है वो भी किसान आंदोलन के साथ आएगी। अब जो अगर कुल मिला के जो हम बोल सकते हैं कि जो सरकार की मुश्किलें हैं ये जो फैसला खाप पंचायतों ने किया है उसकी मुश्किलें सरकार की मुश्किलें खड़ी कर सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान इनेलो प्रवक्ता ओंकार जी जुड़ गए हैं। ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। ओंकार जी, आपसे यही सवाल है, लगातार किसानों का जो प्रदर्शन को पिछले 3 महीने से अधिक का समय हो गया है, आर पार की लड़ाई के मूड में है किसानों सरकार, तो दूसरी तरफ अगर बात करें खाप पंचायत की, तो आपको पता ही होगा खाप पंचायत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जो आज से यानी कि 1 मार्च से दूध महंगा हो गया है, तो इसको लेकर आप कितने संतुष्ट है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? जी, सबसे पहले तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अपनी हठ धर्मिता छोड़े और 3 महीने से जो किसान सड़कों पे बैठे हैं इनका कोई सुखद हल निकाले, ताकि ये किसान हमारे भाई हैं, तो विदेश से नहीं आए, पाकिस्तानी आए, इंग्लिस्तान से नहीं आए,
ये हमारे भाई हैं, इनका कोई सुखद हल निकले। जहां तक 100 रुपए प्रति लीटर का दूध का सवाल है, तो मैं अभी सुन रहा था यहाँ हमारे अम्बाला के जिला प्रधान है गुलाब सिंह जी, संयुक्त किसान मोर्चा के प्रधान है यहाँ पे, तो उनका मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने बोला कि ये जो 100 रुपए का निर्णय हमने लागू नहीं किया है क्योंकि हमें जनता की परेशानियां पता है, तो मैं इस निर्णय से संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छी बात है। आज किसान अगर जनता की सुविधाओं की तरफ देख रहा है और किसान सुविधाओं की तरफ को देना चाहता है जनता को, ये उनकी दरियादिली है। वैसे भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई मंदी या कोई भुखमरी की स्थिति आती है तो किसान बहुत दरियादिल होता है, किसान कभी भी जनता के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता। ठीक है, कुछ खाप पंचायतों ने यह निर्णय लिया था 100 रुपए का, लेकिन मैंने बयान सुना है गुलाब सिंह जी का, वो कह रहे कि ये निर्णय लागू नहीं करेंगे क्योंकि हमें जनता की मुश्किलों का पता है। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी सरकार के लिए संकेत अच्छे नहीं है। सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ अच्छी वार्ता करके, 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, 11 दौर की वार्ता किसान मंत्री कृषि मंत्री के साथ हो चुकी है और 1 दौर की वार्ता हमारे गृह मंत्री जी के साथ हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। सिर्फ चाय की चुस्कियां लेके ये बात को खत्म कर देते हैं और सरकार कहती है कि हम एक काल दूर है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम एक काल दूर है, उस काल का नंबर तो नहीं दिया इन्होंने। ये अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि आप 1.5 साल की इस बिलों को रद्द करने की कंडीशन पे आओ और इनके अमेंडमेंट करो, जब किसान कहता कि इन बिलों को रद्द कर देना चाहिए। तो कृष्णा जी मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, तानाशाही। लोकतंत्र में लोगों के लिए ही कानून बनाए जाते हैं और जिस वर्ग के लिए कानून बनाया जा रहा है वो वर्ग अगर संतुष्ट नहीं है, वो वर्ग अगर कहता है कि मेरे को MSP चाहिए और कानून रद्द चाहिए, तो कानून रद्द करके दोबारा से किसान यूनियन के साथ समझौता करके बैठ कर उनकी बातचीत करके नए कानून बना देने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सरकार जनता नहीं चुनी और जनता के लिए वर्क करे तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार हठधर्मिता कर रही है। तकरीबन 300 किसान शहीद भी हो चुके हैं, बहुत दुखद बात है हमारे सबके लिए और हम यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी आंदोलन का सुखद है। चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा के लिए हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संजय शर्मा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। धन्यवाद करिश्मा जी। तो सर जिस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन जारी है, सरकार भी अपनी मनमानी कर रही है, क्योंकि ये साफ तौर पर किसानों का आरोप है कि सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है, आगामी चुनाव को लेकर लगातार रैलियां कर रही है, लेकिन एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है जहां प्रदर्शन को आगे बरकरार करने के लिए खाप पंचायत का बड़ा ऐलान है। आज से कई जगह पर इसका असर देखने को मिलेगा, जहाँ दूध का भाव है वो अब 100 रुपए प्रति लीटर बिकेगा। करिश्मा जी यही दुर्भाग्य है जी कि इस देश के भोले भाले किसानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए उपयोग कर रहे हैं। पहले एक नेता ने अनाउंस कर दिया कि किसान अपनी फसलों को जला देंगे और किसान जिस फसल को, जिस धरती को अपनी माँ मानता है, उस फसल के ऊपर अपने हैरों को चलाने लग गया, ट्रैक्टर को चलाने लग गया, तो इससे किसान का कोई भला होने वाला नहीं है, उल्टा उसका और नुकसान वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं। ऐसे ये ऐलान है कि किसान अपने दूध को 100 रुपए में बेचेगा, इससे सरकार क्यों परेशान होगा और उस किसान को भी नुकसान होगा जो अपना दूध बेच करके अपना गुजारा करता है। सर ये तो पता नहीं नुकसान किसको होगा ही नहीं होगा, लेकिन आम जनता बिल्कुल परेशान है, महंगाई की मार है, जनता बिल्कुल परेशान हो रही है, कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा था, लेकिन अब एक के बाद एक महंगाई ऐसे मार झेल रही है, जनता परेशान हो रही है, जेबों पर सीधा असर पड़ गया है। सर इसका कोई ना कोई समाधान तो निकलकर सामने आना चाहिए। करिश्मा जी समाधान कोई चाहता होगा तो लेगा, समाधान लेने के लिए तैयार है और सरकार ने कहीं को स्थगित करने के लिए तो वार्ता तो कीजिए। चलिए चलिए ओंकार जी आपसे सवाल है, लगातार विपक्ष पार्टी का एक अहम रोल होता है कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का, लेकिन अब आपकी तरफ से जो बातचीत की गई थी, जो हालांकि अभी हाल ही में NLO नेता, दिग्गज नेता है नेता यानी कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, क्या लगता है दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, कितना असर देखने को मिला है जिस तरीके से किसानों के समर्थन में विपक्ष पार्टी है, क्या इसका असर दिखा है सरकार पर? कृष्णा जी, कृष्णा जी मैं अपने भाई संजय शर्मा जी की बात सुन रहा था, बड़े अफसोस की बात है, ये सरकार की प्राइमरी जिम्मेवारी है, सरकार अपनी जिम्मेवारी दूसरों पे डाल देती है, कभी तो कहती है कि आंदोलन को कुछ लोग भड़का रहे हैं, किसान बरगलाने वाला नहीं है, इनकी बदकिस्मती है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे देश का किसान इस वक्त समझदार हो चुका है, वो बरगलाया नहीं गया, वो असल में इन तीन काले कानूनों को समझ चुका है। और सबसे बड़ी बात है जो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, सरकार को जनता बनाती है, तो ये हठधर्मिता किस चीज की, क्यों ये बिल में बिल को खत्म नहीं करते, क्यों MSP नहीं देते, ये 25 रुपए लीटर वाला पेट्रोल आज 100 रुपए लीटर बेच रही है, तो
तो क्या किसान इसके लिए अपनी फसल का मूल्य निर्धारण नहीं कर सकता? बिल्कुल। किसान को क्यों ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देना चाहते? और दूसरी बात, एमएसपी लेना किसान ने है, देना कंपनियों ने और खरीदार ने है, इनको क्या समस्या है? किसान ये तो नहीं कह रहा कि आप मेरी फसल खरीदो, किसान ये कह रहा है कि मेरी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कर दो, अगर कोई व्यक्ति इससे नीचे खरीदेगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान कर दो। तो इसमें क्या बुराई नजर आती है? मैं अपने भाई से यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, संजय जी जवाब दीजिए, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी पे जब चना गेहूं दाल इस पे नहीं दिया जा सकता तो हमारा भी हक है, हम भी दूध के भाव वो बढ़ा सकते हैं। किसने कहा नहीं दिया जा सकता? सरकार दे रही है, बढ़ बढ़ कर दे रही है। इतना साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, किसानों का कहना है सर, किसान आरोप लगा रहे हैं कि हमारा भी हक है, हम भी दूध के भाव बढ़ा सकते हैं। कौन आरोप लगा रहा है? तो हम तो तथ्यों पर बात कर रहे हैं ना, आरोप लगाना तो बहुत आसान है, अब उठाकर देख लीजिए, इसमें कोई पूछने जाने की जरूरत नहीं है। ऑन रिकॉर्ड है बातें कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लागत का 1.5 गुना देना शुरू किया है। कांग्रेस के लोगों ने जरा देखिए, झूठ बोलते हैं, कहां देना शुरू किया, कोई तथ्य बताएं। एमएसपी दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ना केवल 92,006 करोड़ से उसने 2,47,000 करोड़ तक का जी 57% की बढ़ोतरी है, छोटी बढ़ोतरी नहीं है। कांग्रेस के लोग तो केवल मात्र अपनी राजनीति कर रहे हैं। संजय जी आप समाधान बता दीजिए, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में आम जनता क्यों भुगते, क्यों परेशान हो आम जनता? किसके खाते में जी, क्या कह रहे हैं कृष्णा जी आप? संजय जी यही सवाल है कि किसान और सरकार के बीच में जो आर पार की लड़ाई है, किसान एक ही मांग कर रहे हैं कृषि कानून को रद्द करें, सरकार है कि बातचीत के लिए समाधान निकल सकता है, लेकिन समाधान निकल कर सामने नहीं आ रहा। लेकिन इसी बीच में महंगाई के चलते आम जनता परेशान हो रही है, कहीं ना कहीं समाधान निकल कर सामने आना चाहिए, ये आम जनता की आवाज है। क्यों परेशान किया जा रहा है आम जनता को? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसानों की समस्या सरकार है और उसको हल करने का। संजय जी आवाज मिल पा रही है आपको? ये तो कुछ विपक्ष के लोग जिनको लग जी हो चुके हैं और हमारे के खिलाफ बोलने के लिए वो लोग। ओंकार जी आपसे सवाल है, क्या लगता है कि खाप पर पंचायत ने जो ऐलान किया है दूध के भाव बढ़ाने के, कहीं इसका समाधान निकलकर सामने आ सकता है, कहीं दबाव बनाया जा सकता है सरकार पर? और कृष्णा जी ये दबाव टैक्टिक्स है और दबाव टैक्टिक्स का हल तो निकलना जरूरी है। और मैं अपने संजय शर्मा भाई का एक जवाब का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य वैसे ही दे रही है जैसे 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आए, जैसे इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष दी, और जैसे अभी कोरोना महामारी के काल में 20 लाख करोड़ का इन्होंने पैकेज दिया। ये सारी बातें हैं, बातों नहीं होने से कोई बात नहीं। मैंने पहली सरकार देखी है जिसके ऊपर जनता को विश्वास नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं जनता उस पर विश्वास ही नहीं करती। ये बहुत अजीब सिचुएशन है, हमारे लिए भी दुख भरी बात है। इनको चाहिए कि इस न्यूनतम समर्थन मूल्य का कि आप दे रहे हैं इसका कानून बना दे, कानून बना दे, किसान संतुष्ट हो जाएगा जी। ओंकार जी आवाज मिल पा रही आपको? नहीं मिल रही जी। संजय जी आपसे सवाल है, महंगाई के चलते जहां आम खाप पंचायत ने जो ऐलान किया है 100 रुपए प्रति लीटर दूध के भाव बेचने के लिए, कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि अब आम जनता की जेबों पर और भी ज्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह की जो चाय की चुस्की लेते थे आम जनता, अब वो चुस्की महंगाई की मार झेलेगी। बिल्कुल करिश्मा जी, क्योंकि सर कहीं ना कहीं असर बच्चों पे भी पड़ेगा। पौष्टिक आहार की एक तरह से ऐलान किया जाता है कि बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए, लेकिन जब दूध ही महंगा हो जाएगा तो आम जनता क्या पिएगी, क्या खाएगी सर? क्योंकि दूध एक ऐसा साधन है जो कई चीजें बनाती है, दूध से सब चीजें बनती है सर। करिश्मा जी मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे बड़े बड़े किसानों को ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो इन राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेताओं के चक्कर में मत पड़ करके अपने नुकसान मत करें, क्योंकि ये लोग तो राजनीति ढूंढ रहे हैं कि कैसे मोदी का विरोध किया जाए। इनको किसानों की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। 100 रुपए किलो अगर दूध कर देंगे तो लोगों में, आम जनता में किसानों के प्रति क्या जाएगा वो खुद सोचे। सर सरकार भी तो पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ोतरी कर रही है सर, वो भी आम जनता पर ही पड़ने लगा है।
बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि आम जनता के कंधों पर, उसके घर पर, उसकी जेब पर अगर इस तरह का बोझ डलेगा तो वो उसका भला नहीं कर रहे हैं। तो किसानों को भी इस बात को समझना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कॉल करने के बाद कोई 100 रुपए में लीटर दूध बिकने ही लग जाएगा। जी ओंकार जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी ऐसा है, मेरे भाई बार बार कह रहे हैं बोलने वाले किसानों को पगलाया जा रहा है। देखिए वहां पे किसान ही बैठे हैं, ये इनको मैं बताना चाहता हूँ, जाके एक चक्कर जाके बॉर्डर पे लगाएं, दिल्ली बॉर्डर पे, इनकी आंखें खुल जाएंगी। और इनको अगर ज्यादा नजर आता कि किसान विरोध नहीं कर रहा तो बीजेपी का झंडा लेके जरा किसी गाँव में चले जाए, वहां पे इनको अपनी असलियत पता लग जाएगी। अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं, 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लगभग 300 किसान शहीद हो चुके हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि संसद में माननीय मोदी जी गुलाम नबी आजाद जी के रिटायरमेंट समारोह में वहाँ तो लंबे लंबे घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश करते हैं। ओंकार जी, आपके विधायक जी ने भी तो आपके विधायक ने भी तो इस्तीफा दे दिया अपने पद से, क्या लगता है कि अब इसका असर देखने को मिला है, क्योंकि किसानों के समर्थन में इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया था। किसानों के समर्थन में पहले दिन से पूरी नेलो पार्टी खड़ी है, और हम खुशकिस्मत है कि हमारे को किसानों की पार्टी ही कहा जाता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया, पूरे देश में 4612 MLA हैं और मात्र एक ये हमारी कुछ किस्मत है, और उनके इस्तीफा देने के बाद किसानों के बीच किसानों का साथ देती आई है। और बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ जैसे अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, अगर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे दे तो क्या खट्टर साहब अकेले विधानसभा चलाएंगे? अगर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सेंटर में से इस्तीफा दे दे तो क्या मोदी जी अकेले लोकसभा चलाएंगे? नहीं। ऐसी व्यवस्था में सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और सरकार इस काले कानूनों को वापस लेने के लिए तत्पर होगी। संजय जी, समाधान कब निकल कर सामने आएगा? किसानों की मांग है, क्यों नहीं सुनी जा रही है? और एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि सरकार बात मानने के लिए तैयार है और बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन वो फोन कॉल आई नहीं रही है सर, किसानों का साफ तौर पर ये कहना है। करिश्मा जी, पहले तो मैं इनेलो के जो नेता भी बोल रहे थे उनको जरा आईना दिखाना चाहता हूँ, कि जो अभय सिंह चौटाला ने उंगली कटाकर शहीद बनने का प्रयास किया है, उनकी कलाई किसानों के सामने पहले भी खुली हुई है, आम जनता के सामने खुली हुई है, कि किस तरह से कंडेला में इन्होंने किसानों की छातियों पे गोलियां चला करके उनको मारा था, किस तरह से मदीना में और महल के अंदर किसानों पर लाठी बरसाई थी और गोलियां बरसाई थी, और यह भी इस्तीफा देने का नाटक करके क्या हासिल करना चाहते हैं। और SYL के मुद्दे पर देखिए आप, इनकी जब सरकारें आई हैं पंजाब में, इनका पगबट यार की सरकार रही है, उनसे मिलकर के क्यों नहीं समस्या का समाधान किया? और फिर ये जाते हैं सड़क पे जाकर के कसियों से नहर को खोदना शुरू कर देते हैं, वो नाटक करते हैं। तो ये तो केवल किसानों की समस्याओं के लिए केवल एक दिखावा मात्र है इन लोगों का, और उनकी समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। जहां तक दूसरी बात है फोन कॉल की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने एक विषय किसानों के सामने दिया है कि 1.5 साल तक हम इस कानून को स्थगित, अगर इस बात से वो सहमत है और हम बिंदु दर बिंदु हर विषय पे चर्चा करके जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आप इस कानून में जो भी वो इंगित करेंगे कि ये किसानों के खिलाफ है किसान नेता, उसको सरकार बदलने के लिए तैयार है, उसको सहमत करने के लिए तैयार है। बोलने से क्या होगा? बोलने से कुछ नहीं होगा, समाधान निकल के आप बातचीत कीजिए किसानों से, क्योंकि किसान नेता साफ तौर पर कहना है, एक तरफ तो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से फोन कॉल की देरी है, लेकिन वो फोन कॉल आ ही नहीं रहा है। कौन करेगा सर फोन? सरकार तो आपकी है। सुनो करिश्मा जी, जी फोन कॉल किसानों ने करना है, किसानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहा है कि अगर आप इस बात पे सहमत हैं कि 1.5 साल इस कानून को स्थगित रखा जाए और बिंदु दर बिंदु इन बिल के ऊपर इनके पर चर्चा की जाए, लेकिन अगर आप ये कह सको कि कानूनों को पहले समाप्त करो तो वो तो संभव नहीं है। स्थगित किया जा सकता है 1.5 साल के लिए, और इसमें जो भी उनको लगता है कि हमारी इन बातों पे शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, उनको बदलने के लिए तैयार है, तो बातें उनमें उनको सहमत नहीं तो अगर इन दोनों पे सहमत है तो जब मर्जी आए बात करें, फोन कॉल किसानों ने करनी है, इन दो बातों पर सहमत होकर के सरकार से फोन कॉल पे बात करें, ना कि सरकार ने कहना है, सरकार ने तो अपनी तरफ से ऑफर दे दिया। जी ओंकार जी,
विपक्ष अगर बीजेपी पार्टी की बात करें, बीजेपी भी लगातार यही कह रही है कि एक तरफ तो वार पलटवार जा रही है, तो बीजेपी की तरफ से ये बयानबाजी भी की जा रही है कि किसानों, जो भोले भाले किसान है, उनको बरगलाने की कोशिश विपक्ष पार्टी कर रही है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पे ओंकार जी? आवाज मिल पा रही है आपको? संजय जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी संजय जी, यही समाधान यही है हमारा सवाल कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, एक के बाद एक नई रणनीति के साथ तैयारी की जा रही है और आने वाले समय में अब साफ तौर पर अल्टीमेटम भी दिया है कि 4 लाख नहीं, अब 40 लाख ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। कहीं ना कहीं असर तो सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, असर दिखेगा यहाँ पे। कृष्ण जी यही तो दिक्कत है ना, किसानों के मन में, आम जनता के मन में शंकाएं पैदा कर करके ये आंदोलन खड़ा किया गया है। इस तरह पहले एक शंका पैदा कर दी थी कि कोविड जो टीका है इजाद किया है प्रधानमंत्री खुद पहले लगवाएं जी, और इससे तो आम जनता को नुकसान होने वाला है। विपक्षियों ने इस तरह का शोर मचाना शुरू किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज कोविड का टीका लगवाया है और जो सरकार ने गाइडलाइन तय की, जो तरीका तय किया था कि पहले कोरोना वॉरियर्स को लगेगा, उन्होंने वीवीआई के आधार पर अपने टीका पहले नहीं लगवाया। अब जब 60 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगने लगा है तो प्रधानमंत्री जी पहले बढ़कर के। संजय जी हम महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं, विपक्ष पार्टी भी ये कह रही है कि महंगाई के मार से जनता परेशान हो रही है और कब तक आम जनता यूं ही शोषण होती रहेगी? मैं एक उदाहरण देता हूँ कि शंकाएं पैदा कर कर के दिमाग के अंदर के खिलाफ किया जाता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ किया जाता है, सही होती नहीं है। मैं कह रहा हूँ, और जहाँ तक बात है 40 लाख ट्रैक्टरों की, आप हसन देख ली है, उसमें भी इन लोगों ने आश्वासन दिया था कोई बात नहीं होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी अहम चर्चा के लिए, और ओंकार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए, आप दो खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।